और भाई लोग कैसे हो। सो गाइस बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की और एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर मैं फिर से आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीजन 1 M1 लास्ट वीक 4 का मिशन एक्सप्लेन आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। अभी तक जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग आरपी सेक्शन पे आ जाइए, उसके बाद आप लोग देख सकते हो मिशन सेक्शन में वीक 4 का मिशन अनलॉक हो चुका है। तो भाई सबसे पहले जो मिशन है 75 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि क्लासिक मोड और मिशन इग्निशन मोड के अंदर आप लोगों को 8 टाइम्स मेडिकेट यूज़ करना है। तो गाइस आप लोग शायद जानती हो एयर ड्रॉप के अंदर भी आप लोगों को मेडिकेट मिलता है। तो गाइस सिंपली आप लोग 8 टाइम क्लासिक मोड और मिशन इग्निशन मोड में 8 टाइम मेडिकेट यूज़ करने के बाद आपका ये वाला मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस 125 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको तीनों मिशन दिया गया है। तो गाइस तीनों में से किसी भी एक को सबसे पहले आपको फोकस करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको लिबिक मैप के अंदर मॉन्स्टर ट्रैक से 4000 मीटर ड्राइविंग करना है, नहीं तो आप लोग क्लासिक मोड के अंदर जेट की से ड्राइविंग कर सकते हो 1500 मीटर। नहीं तो गाइस आप लोग क्लासिक मोड के अंदर एयर ड्रॉप व्हीकल से भी ड्राइविंग कर सकते हो, जो कि गाइस आप लोगों को पता ही है एयर ड्रॉप व्हीकल का मतलब बेयर ड्रम होता है। तो गाइस सिंपली आप लोग तीनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करके आपको ये वाला मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो मिशन है 150 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि आपको सिंपली लेवल 3 का हेलमेट उठाना है क्लासिक मोड और मिशन इग्निशन मोड के अंदर। तो गाइस आप लोग सिंपली 15 मैच के अंदर 15 बार लेवल 3 का हेलमेट पिकअप कर लीजिए, उसके बाद आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो मिशन है 75 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको तीनों मिशन दिया गया है। तो गाइस तीनों में से किसी भी एक को सबसे पहले आपको फोकस करना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि एसुस राइफल से आपको, जो कि गाइस AKM M4 से आप लोग सेनॉक मैप के अंदर 20 किल कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप लोग इलांगर मैप के अंदर पोचिंग की में 20 किल कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप लोग म्यांमार मैप के अंदर सार मारेट जगह में 20 किल कर सकते हो। तो गाइस तीनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करके आपको ये वाला मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस मेरे ख्याल से आप लोग इरांगल मैप के अंदर पोचिंग में 20 किल कर लीजिए एसुस राइफल से, जो कि गाइस AKM M4 बैरल से आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को पोचिंग में 20 किल करने के बाद आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को नेक्स्ट जो मिशन है मैं अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 75 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको दो मिशन दिया गया है। तो गाइस दोनों में से किसी भी एक को सबसे पहले आपको फोकस करना है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि आप लोगों को क्लासिक मोड के अंदर वेक्टर से किल करना है 15 एनिमी, जो कि गाइस आप लोग क्लासिक मोड और मिशन इग्निशन मोड में भी कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप लोग एरिना मैप के अंदर 180 एनिमी किल कर सकते हो वेक्टर से। तो मेरे ख्याल से गाइस आप लोग एरिना मैप के अंदर 180 एनिमी किल कर सकते हो वेक्टर से, तो आपका ये वाला मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस 75 आरपी पॉइंट्स के लिए आप लोग देख सकते हो एक मिशन आपको दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि आपको टोटल डैमेज देना है आपको 2000। तो गाइस आप लोगों का किल कोई और ले जाएगा तो भी चलेगा, आपको सिंपली टोटल 2000 डैमेज देना है, तो आपका ये वाला मिशन सिंपली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस 75 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको एक मिशन दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया है कि आपको स्क्वाड में खेलने के बाद 5 टाइम आप लोगों को पैंट से बॉट या बंदे को मारना है। तो गाइस आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको स्क्वाड में ही खेलना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो मिशन है आपको सिंपली दो मिशन दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो 75 आरपी पॉइंट्स के लिए आपको दो मिशन दिया गया है। तो गाइस सबसे पहले जो मिशन है M14 शॉटगन से आप लोगों को क्लासिक मोड और मिशन इग्निशन मोड के अंदर 6 बार दे मारना है, नहीं तो गाइस आप लोग M14 से आप लोग 80 एनिमी मार सकते हो एरिया मैप के अंदर। तो गाइस मेरे ख्याल से आप लोग 80 एनिमी किल कर लीजिए M14 से, तो उसके बाद आपका ये वाला मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यही था M1 का लास्ट वीक, जो कि गाइस आप लोगों को मैंने दिखा दिया सब कुछ। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया, अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम सीधा और एक ब्रांड न्यू वीडियो में।